भारतीय मौसम विभाग राष्ट्र सेवा के 150 वर्ष पूर्ति पर भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के तत्वावधान से एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप का विषय मध्य भारत में गंभीर मौसम और मौसम संबंधी सेवाएं यह था। वनामती में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व विधान परिषद सदस्य अनिल सोले, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, प्रादेशिक मौसम केंद्र के प्रमुख मोहनलाल साहू, मुंबई फायर ब्रिगेड के सीईओ दीपक घोष आदि विशेष रूप से मौजूद थे, जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित गणमान्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को राज्यपाल रमेश बैस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया एवं मौसम विभाग की अविरत एवं अग्रणी सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से बताया जाए तो भारत में मौसम विज्ञान की शुरुआत का पता प्राचीन काल से चल सकता है। 3000 ईसा पूर्व के प्रारंभिक दार्शनिक लेखन युग जैसे कि उपनिषद, मेघ निर्माण और बारिश की प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर सूर्य के चक्कर लगाने के कारण होने वाले मौसमी चक्रों के बारे में गंभीर चर्चा करते हैं। वराहमिहिर की शास्त्रीय कृति बृहत् संहिता, जो लगभग 500 ईस्वी में लिखी गई है, एक स्पष्ट प्रमाण प्रदान करती है कि उस समय में भी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का गहन ध्यान मौजूद था। यह माना गया कि सूर्य से वर्षा होती है और बारिश के मौसम में अच्छी वर्षा लोगों के लिए भरपूर कृषि और भोजन की कुंजी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्षा के वैधानिक मापन और देश के राजस्व और राहत कार्य के लिए इसके उपयोग के रिकॉर्ड है। 7वीं शताब्दी के आसपास कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में मध्य भारत में मानसून की शुरुआत की तारीख तक का उल्लेख किया है और मानसून के बादलों के मार्ग का अनुमान किया है। 1875 में एक सामान्य शुरुआत से भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम संबंधी प्रेक्षणों, संचार, पूर्वानुमान और मौसम सेवाओं के लिए अपने बुनियादी ढांचे का उत्तरोत्तर विस्तार किया है और इसने एक समानांतर वैज्ञानिक प्रगति की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हमेशा समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। टेलीग्राफ युग में इसने प्रेक्षण संबंधी डेटा एकत्र करने और चेतावनी भेजने के लिए मौसम टेलीग्राम का व्यापक उपयोग किया है। बाद में भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत का पहला संगठन बना जिसने अपने वैश्विक डेटा विनिमय का समर्थन करने के लिए एक संदेश स्विचिंग कंप्यूटर का उपयोग किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के समय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जहां मौजूदों ने जानकारी लेते हुए इसका लुत्फ उठाया। जुड़े हुए आज सभी स्टेक होल्डर्स, विशेषतः यहाँ उपस्थित हमारे सभी कृषक भाइयों और बहनों, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हम सभी को पहले मेरे तरफ से और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन देता हूं और शुभकामनाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो 150 साल की यात्रा है, इस यात्रा के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं, जो उपलब्धियां मिले हैं इस सभी सालों में, ये उपलब्धियां के आप सभी भागीदार हैं। इसलिए इस उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ आप जुड़े होते हुए भारत के सामाजिक और आर्थिक प्रगति में आप सहायक हुए हैं और भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे साहू जी ने बताए थे, भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी को एस्टैब्लिश हुआ था और एस्टैब्लिशमेंट का कारण यही था कि बहुत सारे दुर्घटना डिजास्टर्स भारत में देखने को मिला, जिसमें लाखों लोगों का जीवन चला गया। इसके साथ साथ हम फ्लॉड्स देखे, ड्राउट्स देखे, साइक्लोन्स देखे हैं, बहुत सारी बीमारियों से भी लोग मर गए। इस सभी कारण का नतीजा यही हुआ कि भारत मौसम विज्ञान विभाग एस्टैब्लिश हुआ। जैसे सभी डिजास्टर्स की वजह से सब क्षति हो रहा था, इसलिए पहला लक्ष्य यही था कि कैसे हम जनहानि जो हो रहा था इसको मिनिमाइज किया जाए। इसलिए डिजास्टर एक प्रमुख मुद्दा था पहले जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसलिए स्पेशली साइक्लोन और फ्लड्स को नज़र में रखा गया था। वो धीरे धीरे देखा गया कि जो हमारा कृषि है, भारत एक कृषि बहुल राष्ट्र है और यहाँ जब मानसून सीजन है इसमें लगभग 70% to 90% बारिश होता है, और जब मानसून खराब हो जाता है
यानी कम बारिश होता है क्या ज़्यादा बारिश होता है तब हमारा लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। और देखा गया कि स्पेशली जब कोई ड्राउट ईयर होता है तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो लगभग 3 से 8% तक प्रभावित हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, 2002 में एक ड्राउट आया था जो सीवियर ड्राउट था, इसमें 3 से 4% हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का कम हो गया। इसका कारण यही है कि अभी भी 60% जो पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर आधारित है। और हम भारत देश में देखेंगे जो हमारा इरिगेशन फैसिलिटी है वो काफ़ी नहीं है, काफ़ी हद तक हमारे पास नहीं है। जैसे कि हम बारिश नहीं हुआ तो हम इरिगेशन से हम बचा लें, अभी भी लेस देन 50% एरिया इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर है। इसीलिए हम जल ही जीवन है मानते हैं, ना सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए मगर हमारा लाइवलीहुड के लिए। भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे बहुत अच्छा सोर्सेस है, नेचुरल सोर्स तो रेनफॉल है, इसके साथ साथ हमारे पास हिमालय के ग्लाशियर्स है जहाँ से हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी मिलता है और इंडस्ट्री के लिए पानी मिलता है। और ये सभी अभी थ्रेट में है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो भी है इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हर स्टेट गवर्नमेंट स्टेप भी ले रहे हैं, क्लाइमेट सेल भी ओपन कर रहे हैं और भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी के साथ काम कर रहे हैं जैसे हम क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को सामना करें और हमारा जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो रहा है इसको प्रभावित होने को ना दें। इसका एक उदाहरण यही है कि आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका वजह यही है कि आपका जो पूर्वानुमान है पूर्वानुमान का सटीकता कम हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मगर लास्ट 10 ईयर्स आप देखें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान है इसमें लगभग 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है। और पहले हम सिर्फ एक दिन एडवांस जितना करेक्ट साथ हम बोल रहे थे, अभी 5 दिन पहले इतना करेक्ट निश्चित हम पूर्वानुमान दे सकते हैं। सो इसमें ये प्रभाव यही हुआ कि आप जो लाखों से लोग मर रहे थे जैसे साहू जी बोल रहे थे, अभी आप देखें कोई साइक्लोन आ रहे थे कभी 10-20 लोग मर रहे हैं। आप यूएसए के साथ कंपेयर करें, यूएसए में ज़्यादा लोग मर रहे हैं साइक्लोन की वजह से मगर इंडिया में कम लोग मर रहे हैं। ये हमारा नतीजा है, ये हमारा मेक इन इंडिया है, ये हमारा भारत का गौरव है। सिमिलरली आप हेवी रेन का देखें एग्जाम्पल लूँगा, 2013 में आप देखेंगे 2013 में जो एक बाढ़ आ गया था उत्तराखंड में तब 4,500 लोगों का मृत्यु हो गया था। आपको याद होगा केदारनाथ एपिसोड जून महीने में हुआ था। और ऐसे ही एक हुआ 2021 में जबकि 55 सेंटीमीटर हुआ 24 आवर्स में उत्तराखंड में, मगर आपको पता है कितना लोगों का जानहानि हुआ? तो नहीं होना चाहिए था फिर भी 30 लोगों का जानहानि हुआ। सो जस्ट कंपेयर करिए 2013 से 2021 8 साल के 10 साल के अंदर हम फ्लड की वजह से जो जानहानि हो रहा था इसको भी हम कम किए हैं। इसका कारण क्या रहा? ये सिर्फ भारत मौसम विज्ञान विभाग नहीं, इसके साथ जुड़े हुए लोग, हर लोग आप जैसे इसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। रेस्पॉन्स सेक्शन बढ़ गया कंट्री में क्योंकि आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर हो गया है। घर में शादी बड़े फंक्शन हो, कार्यक्रम लॉन में करना या सभागृह में करना, ये तय करने के लिए पहले देखा जाता है मौसम विभाग क्या कहता है। इतना सटीक अनुमान हो गया है। परसों एक नमो युवा महासम्मेलन था यहाँ और हमने 7 दिन पहले मौसम विभाग के साइट पर जाकर के देखा कि यहाँ क्या स्थिति बनने वाली है। जब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं हम तो पता चला कि मौसम साफ रहेगा, हवा चलेगी। तो ये इस प्रकार की एक सटीक जानकारी जो आगाह करता है, जो जानकारी देता है। अभी जो तूफान आने वाला था समुंदर पर गुजरात के क्षेत्र में जामनगर उस साइड में, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, ये मौसम विभाग ने दी हुई सटीक जानकारी के कारण जो डिजास्टर मैनेजमेंट वहां हुआ, घर घर से लोग निकाले गए, उनको सुरक्षित जगह पे स्थानांतरित किया, ये मौसम विभाग की जानकारी ने। तो कितनी लाखों लोग और ये चक्रवात में तूफानों में हम मरते हुए हमने देखे हैं, वो अपघात होते हुए हमने देखे हैं। इतना सुसज्ज ऐसा और साधन संपन्न ऐसा ये मौसम विभाग का काम अभी हो गया है। जो नारा आपने दिया है घर घर मौसम हर घर मौसम, तो ये नारा निश्चित रूप से हर परिवार में आज पहुंच गया है कि वो मौसम विभाग की जानकारी के आधार पर अपना 7 दिन 15 दिन 25 दिन का काम और क्या करना इस प्रकार से रखते हैं। सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज जो है वो काश्तकारों को होता है। इसका कारण मौसम किस प्रकार का है, हमको कौन से काम
और कब करना है, कब अपने को बीज बोना है, कब अपने को फसल काटना है, ये सब जो निर्णय है वो मौसम विभाग की इस जानकारी के आधार पर होते हुए हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं है तो आज जो विभिन्न गैसेस स्टेट्स एटमॉस्फेयर में हमारे रहते हैं उसकी अवधारणा जो है और उसकी आज की स्थिति है वो कैसी है, इसके बारे में भी कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को, सरकारों को जानकारी देने का काम मौसम विभाग का। जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, इसके में हो इसने इसमें हो रहे स्थित्यंतरों की जानकारी जो मिलती है, जो एनालिसिस होता है वो जो कहाँ से आता है, तो ये मौसम विभाग की जानकारी के आधार पर। डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर कहते हैं हम ग्लेशियर्स को का पिघलना, जो उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो इनपुट्स मौसम विभाग के जानकारी के आते हैं उस आधार पर हमारे शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट जो है उस आधार पर क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आम लोगों का कर्तव्य क्या होना चाहिए इस सब चीज़ों में, इसकी भी जानकारी रखते। मित्रों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनके बारे में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कहा कि वो एनवायरनमेंट में काफ़ी रुचि रखते हैं, पर्यावरण में काफ़ी रुचि रखते हैं, जब ये इंफॉर्मेशन जो आती है उसका एनालिसिस मौसम विभाग करता है और वो पेश करता है और उसके आधार पर क्या होना चाहिए ये बताता है, उसके आधार पर जनता में किस प्रकार का संदेश पहुंचाना है, ये काम जो है वो गवर्नमेंट के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से होता है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करने के लिए एक झाड़ आपने लगाना चाहिए, एक वृक्ष लगाओ, एक पौधा लगाओ, ये जो चीज जो बताई जाती है वो इस आधार पर बताई जाती है कि आने वाले दिनों में हम क्या, किस चीज को, किस डिजास्टर को, किस महासंकट को रोकना चाहते, उसके लिए हर व्यक्ति छोटा काम क्या करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी और इस विभाग से, विभाग के माध्यम से हमें मिलती है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, जिसमें वर्कशॉप भी हो रहा है, कार्यशालाएं भी हो रही है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स यहाँ हैं, काश्तकार भी है, शास्त्रज्ञ भी है, स्टूडेंट्स भी है, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं 150 वर्ष के उपलक्ष्य में और मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग को शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके साथ दो शब्द रूबरू होने के की अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं आपके विभाग का, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।